नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित वीडियो को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर को विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कोटेगांव निवासी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया बिना जांच परखे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ वीडियो प्रचारित कर रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की विवादित टिप्पणी के कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक बिना जांचे परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की वीडियो से उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक भी गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और उनके गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विवादित वीडियो हटाने का निर्देश दिया और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। रंजीत सिंह पटेल गोटेगांव के रहने वाले हैं और स्वयं को संत श्री बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अनुयायी मानते हैं। उनका ये कहना है कि कुछ वीडियो उन्होंने डिजिटल मीडिया पोर्टल्स पे देखे जो कि उनके गुरु के खिलाफ थे और उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई थी वो आपत्तिजनक है। जो इसके नियम हैं वो नियम ये कहते हैं कि किसी भी जानकारी, कोई भी न्यूज़ यदि आती है, मटेरियल आता है, तो उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद ही उसको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाना है। वो नहीं किया जा सका और उस पर उन्होंने नोटिस भेजा। इसमें मुख्य रूप से YouTube, Facebook और Twitter हैं और भी तीन अन्य पोर्टल्स हैं। कोई जवाब आया नहीं और कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें उन्होंने गुरु गीता, जो कि स्कंद पुराण से लिया गया है, और तैत्तरीय उपनिषद का सहारा लिया, जिसमें गुरु को ईश्वर माना है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहिब को ज्यूरिस्टिक पर्सन माना था, ईश्वर का रूप माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राम जन्मभूमि विवाद में भी श्री राम को ज्यूरिस्टिक पर्सन माना है। पेटिशनर का ये कहना था कि इस तरह के वीडियो से मैं अपने धर्म, सनातन धर्म को फॉलो करने से दूर किया जा रहा हूं, मेरे मन में मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे धर्म की आस्था भंग हो रही है, छीण हो रही है। ऐसी स्थिति में मुझे सनातन धर्म से विरक्ति ना होने लगे, जिसका मुझे संवैधानिक प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है आर्टिकल 25 में। माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल हुई। पिटीशन में इंटरिम ऑर्डर करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के प्रमुख संत हैं, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार को प्रसारित करने के पूर्व इस बात की जांच की जाए कि उसमें सत्यता क्या है। और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को निर्देश दिए गए हैं कि जो मटेरियल एक अन्य व्यक्ति श्री आरडी प्रजापति के द्वारा दिया गया है और ऐसे जितने भी मटेरियल फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, उनको तत्काल डिलीट किया जाए। नोटिस जारी हुए हैं, 2 सप्ताह बाद मुकदमा फिर से लगेगा। इनके खिलाफ नोटिस जारी हुए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और 3 अलग पोर्टल है। मैंने आपको लिस्ट दे देता हूँ, मैं आपको पहले भी दी हुई है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।